हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर 42, 43 एंड 44 के बीच तक का चल रहा है। भयानक गर्मी है और हीट वेव्स का तो पूछे ही मत। लू तो इतनी स्पीड में इतनी आंधी की तरह चल रही है कि आदमियों का तो सोचे, इंसानों का छोड़े पौधों का, जानवरों का, सबका बहुत बुरा हाल है। ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी में अगर आपको ऐसा प्लांट चाहिए जो धूप से, लू से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता हो, जिसकी पत्तियां नहीं जलती हो, तो दोस्तों आपको लाना होगा अफ्रीकन मिल्की बुश प्लांट। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में जो आप प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट का नाम है अफ्रीकन मिल्की बुश प्लांट। ये पौधा एक ऐसा पौधा है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जितनी ज़्यादा तेज़ धूप आती है और जितनी ज़्यादा लू चलती है, उतना ही ये प्लांट हरा भरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देता है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा इस प्लांट की नेचर के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, अफ्रीकन मिल्की बुश प्लांट क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये अफ्रीका का हॉट डेजर्ट का नेटिव प्लांट है। वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली ग्रो करता है। वहाँ पर जो मरुस्थल यानी कि डेजर्ट होते हैं, वहाँ पे ये नेचुरल ग्रो करता है, जैसे कि हमने यहाँ गमले में ग्रो किया है, बट वहाँ पे ये वाइडली ग्रो करता है। और मिल्की बुश प्लांट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें से एक मिल्की सैप जैसा निकलता है। जब इसकी स्टेम को तोड़ते हैं या इसकी पत्तियों को तोड़ते हैं, मिल्की वाइट कलर का सैप निकलता है, जो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। अदरवाइज़ ये प्लांट है बहुत अच्छा। आप देख रहे हो इसकी पत्तियों का कलर बहुत अच्छा है। मेरा तो ये सिंगल स्टेम ही चल रहा है, बट ये काफ़ी बुशी हो जाता है बड़ा होने पे। अगर आप इसको ग्राउंड में लगाते हैं तो इसकी काफ़ी हाइट हो जाती है, बट गमले में होते हैं तो प्रून वगैरह कर देते हैं, जिससे इसकी हाइट लिमिटेड रहती है। जान लेते हैं कि इसको कैसे ग्रो किया जाता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट गर्मियों का प्लांट है। दैट मीन्स कि यहाँ जब बहुत सर्दी होती है हमारे एरिया में, उस टाइम ये डोरमेंट हो जाता है। गर्मियों में इसको कटिंग से ग्रो किया जाता है। सबसे बेस्ट टाइम होता है मार्च के महीने में, यानी कि स्प्रिंग सीजन में आप इसको कटिंग से ग्रो करें। अदरवाइज होल समर आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मॉनसून सीजन में आप इसको कटिंग से ग्रो करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस प्लांट को पानी यानी कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद आप इसको सेप्टेम्बर और अक्टूबर में कटिंग से ग्रो करके छोड़ दीजिए। एक बार इसकी कटिंग में ग्रोथ आ जाती है तो सर्दियों में जब ये अगर डोरमेंट हो भी जाएगा तो कोई फिक्र की बात नहीं है, इसकी रूट्स की ग्रोथ होती रहेगी। जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा तो इसमें नई नई ग्रोथ आ जाएगी। पानी की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ही बताया, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। एक और कटिंग थी मेरे पास, ये बहुत अच्छी चल रही थी, बट मेरे से गलती से उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो देखिए दूसरी कटिंग कितनी ज़्यादा मुरझाई सी हो रही है। इस प्लांट को बहुत ही देना है। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी सूख गई है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, मिट्टी सूख गई है तभी आप उसमें पानी दें। अदरवाइज़ अगर हल्की सी भी गीली है तो इस पौधे में आप बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं दीजिए। सुबह शाम पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्लांट में। एक बार कोई पौधा आप पानी नहीं देंगे, कम पानी देंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी देंगे इसमें रूट रोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। बीमारी की, अगर डिजीज़ की बात करिए, मैंने अभी तक इस प्लांट में कोई डिजीज़ नहीं देखी है। सिर्फ बहुत ज़्यादा पानी देने से इसमें इसकी रूट रोटिंग का ही इशू होता है, अदरवाइज़ और कोई पेस्ट इंसेक्ट का अटैक मैंने इसमें नहीं देखा है। बात करते हैं कि इसका क्या प्राइस है। फ्रेंड्स, ये प्लांट बिल्कुल भी कॉमन प्लांट नहीं है। मेरे आसपास 10-12 नर्सरी हैं, मैंने ये प्लांट वहाँ पे किसी नर्सरी में नहीं देखा है। इनफैक्ट मैंने अपने आसपास के सोसाइटीज़ के बहुत सारे पार्क्स देखे हैं, उनमें भी ये प्लांट मैंने नहीं देखा है। बट एक दो जगह मैंने किसी कम्युनिटी पार्क में ज़रूर देखा है, पर ये इसलिए मुझे इसके प्राइस का कोई आइडिया नहीं है। मुझे ये प्लांट कैसे मिला था, मेरी मौसी के घर से मेरी मदर लेके आई थी, मेरी मदर से फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ के यहाँ लगाया, वहाँ से मैं इसको कटिंग से ग्रो करके लाई हूँ। तो कहीं 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 हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर कर पता नहीं ये प्लांट कैसे कैसे मेरे पास पहुँचा है। दो कटिंग मैंने लगाई थी, एक बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, एक थोड़ा पानी की, ज़्यादा पानी की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बट आई होप कि मैं उसको बचा लूँगी।
बात कर लेते हैं कि इसको बुशी कैसे बनाना है। मेरा तो ये सिंगल स्टेम चल रहा है, अगर मैं आपको इसको बीच में से कट कर दूंगी तो नीचे से दो तीन ब्रांच निकल आएगी। उसी तरीके से बस इसको बुशी बनाया जाता है। मेरी मदर इन लॉ के पास ये एक मटके, मिट्टी के मटके में लगा हुआ है जिसमें बहुत सारी ब्रांच है, बहुत घना है। तो आप इसको मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में, सिमले में और सिरामिक किसी भी गमले में चला सकते हैं। बस और अब बस आपको इसके पानी का ही ध्यान रखना होता है। बहुत सुंदर प्लांट है, कहीं से आपको इसकी कोई कटिंग मिले तो इसकी कटिंग को ज़रूर ग्रो करिएगा। अफ्रीकन मिल्की बुश प्लांट बहुत सुंदर होता है, बहुत प्यारा होता है। लोन गार्डन है तो वहाँ इसका कोई कटिंग लगाने का आप ज़रूर ट्राई करें। ऐसी ही वीडियोज़ में आपसे मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, गो ग्रीन, बाय बाय।